मेर करो तृण ते मोहे जाहे गरीब नवाज ना दूसर तोसो भूल शिमो हमरी प्रभ आपन भूल नहार कहूं कहू मोसो सेव करी तुमरी तन के सब ही ग्रह देखियत धर्म परोसो या कल मैं सब काल कृपान के पारी पुजान के पारी परोसो बोलिया ना मारो लोको प्यारे जी का नाम लैके दसो होर कौन हैगा दसमेश दा जहान विच आन विच मान विच शान विच तान विच ज्ञान विच ध्यान विच दुखड़े अठाउण ते जुल्म मिटाउण विच बलिया विचों बली पूरा योध्या विचों योधा सूरा कविया विचों कवि अते गुरु है ज्ञान विच सबर साबती वाले जो होण बंदे दिन रात तैनू हरदम याद कर दे जिस वास्ते आए हां दर तुहाडे साडी मालका पूरी फरियाद कर दे सुनी सिफत है तुसां दी बड़ी डाढ़ी एक पल विच आ निहाल कर दे मंग दे खैर हां तेरे दरबार विचों साडी नेकियां दी खेती आबाद कर दे कई लोग झुकते चौकीदार अगे चौकीदार झुकता नंबरदार अगे गुनहगार झुकता थानेदार अगे थानेदार मुड़ ओतली कतार अगे फतेह झुकती है अगे बहादुरां दे योधे झुकते ने सिपा सलार अगे झुकते वेखे ने मैं वजीर सारे बादशाह दे हुकम तलवार अगे ऐ पर बादशाह भी आण के झुक जांदे नानक गुरु दे ऐस दरबार अगे परम पूज्य पाद वाली कुल आलम हजूरे अनवर सरवरे कायनात शहनशाह दो आलम पतत पावन भगत वशल कृपा निदान सर्व कला सम्राट कोट ब्रह्मंडा दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी निगी गोद दे विच सुशोभित गुरु सवारे प्यारे खालसा जीओ आप वडभागे हो धनता योग हो जो साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हिंद दी चादर जी दे पारोपकारी दाता जी दे पावन पवित्र अस्थाना दे उपर हाजरियां भर रहे हो सतगुरु महाराज जी आप जी दियां फरियादां बेनतियां प्रवान करदे ने आप वडभागे हो जो हाजरियां भर रहे हो गुरु सवारियो ते कुछ समां दासां नूं आप जी दी सेवा करन वास्ते प्रबंधकां वल्लों हुक्म होया है सतगुरु महाराज जी महान ने इस दर ते कोई भी आ जावे तेग बहादुर सिमरे ऐ घर नौ निध्यावे ताए सब थाई होई सहाए गुरु सवारे सतगुरु महाराज जी दे दर ते कोई भी आ जावे किसी भी धर्म या किसी भी मजहब दे नाल कोई वितकरा नहीं इंसानियत पर इत्थे जरूरत हुंदी है सच्चे दिलों आउण दी शरदा भावना दी आन के बेनतियां करे जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले ईहां ऊहां सच होवे गुरु सवारियो इन सतगुरु महाराज जी दे दर ते असी सारे आउंदे हां आन के असी फरियादां करदे हां दाता मंगदे हां कोई दुध मंगदा है कोई पुत मंगदा है कोई धन दौलत मंगदा है कोई परदेस जाण वास्ते अरदासां करदा है दाता ठीक है सतगुरु महाराज जी दाते ने दाता दिंदे सी दिंदे हन ते दिंदे रहणगे पर विद्वान कहिंदे आ मनुख दाता तां सतगुरु महाराज जी ने देई ही जाणियां है किड्डी वधिया गल होवे जे तू दाते नू दाता देण वाले दाते नू ही मंग लवे ते किसे दे अगे फरियाद करन दी तैनू जरूरत ही नहीं पैणी तू उस दाते नू अपना पिता बना लवे उसका पुत्र बन जावे ते फिर दुनिया ते कोई ऐसा पिता नहीं होना कि उसका पुत्र उस दियां अखां दे सामने बस्तरां तो बगैर बैठा होवे ते उस नू बस्तर ना देवे कोई ऐसा जहान ते पिता नहीं होना भई जिस दे पुत्र नू भोजन की जरूरत होवे उस नू भोजन ना देवे बिन मंगया ही गुरु प्यारे पिता जेड़ा है अपने पुत्र नू सब कुछ दे दिंदा है पर ए तां सर्व कला सम्राट दतार पिता है मेरा गुरु दयालु हर वेले मन
मेरा गुरु दयालु हर वेले पल्ला अड़ना ना आवे तो की करिए ओदा तो दिंदा थकदा नहीं सच है सुखदेव सिंह ओदा तो दिंदा थकदा नहीं सानू मंगना ना आवे ता की करिए मेरा गुरु दयालु हर वेले विद्वान कहिंदे है गुरमुख प्यारे आ बंदे आ तू सतगुरां दे दर ते आण के दाता मंगदा है जे किते दाते नू मंग लवे इस नू पिता बना लवे किसे दे अगे हाथ अड़न दी जरूरत नहीं पैनी दर दर ते भटकण दी जरूरत नहीं पैनी बिन मंगया ही सतगुरु महाराज जी दिंदे ने सो गुरु सवारे आओ उस महान दर ते एकत्रित होइओ ते आपां सब तो पहला कलगियां वाले प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बख्शिश गुरफते दी सांझ पाईए आगे आवत सिंह जो पावे वाहे गुरु की फतेह बुलावे सारियां संगतां अपने नैन मूंद के गज वज के गुरफते दी सांझ पाओ आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मैं सब तो पहला सतगुरु महाराज जी का शुकराना कर जावा भी जे सतगुरु महाराज जी ने साढ़े ते तरस करके निमाणिया नू अपने दर्शन करवाए ने सुभागा समा बख्शिश किया है। धनवाद करदा है मैनेजर साहब सरदार गुलजार सिंह जी और प्रधान साहब सरदार सवर्ण सिंह जी और साढ़े बहुत ही प्यार वाले सिंह गुरु महाराज जी दे वजीर गुरद्वारा साहब दे हैड ग्रंथी साहब भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी बड़े प्यार वाले ने बड़ी महाराज की कृपा है विद्वान भी बड़े ने मारे महाराज की अपार इन्हां ते बख्शिश है बड़ा प्यार दिंदे है गुरु प्यारे सो इन्हां दे प्यार सदका रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करन जा रहे हैं। तो गुरु प्यारे मैं बेनती करा जेडे इस वेले सानू अते तुहानू सारयानू दूर दरेडे तक संगतानू इस महान सतगुरु महाराज जी दे पवित्र अस्थाना दे गुरद्वारा अड़ीसर साहब जां होर भी जितने गुरद्वारा साहब जी सारयां दे दर्शन करवाउंदे है महान सेवा लुटदे है कहन तो भाव साहिब टीवी लाइव चैनल वाले गुरु प्यारे वीर गुरचरण सिंह जी जेडे गुरु प्यारे अथाह प्यार रखते ने गुरु घर के नाल श्रद्धा भावना रखते ने ते गुरु प्यारो महान सेवा है ये भी सिखी का प्रचार है ते किसे घर बैठे नू गुरु साहिबां दे दर्शन करवा दे ने घर बैठिया नू इतिहासक ढाडी वारां दा कथा कीर्तन सरवण करवा देना ये महान सेवा है गुरु प्यारे। सो इन्हां दा भी धन्नवाद करते हैं जेडे महान सेवा कर रहे ने। सो आओ आप जी नाल गुर इतिहास विचारां दी सांझ पाउण जा रहे हैं कृपा करियो असीस बख्शिश करियो जितनी को बुद्धि मेरे दाता जी ने बख्शिश कीती है सेवा करन दा यतन करांगे तवज्जो देना। गुरसवारे खालसा जी सिख कौम दे विच सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश कीती है कुछ ऐसे दिहाड़े एक दिहाड़ा सतगुरु महाराज जी ने ओ महान वैसे तो सारे दसें पातशाहियां दे गुरपुरब जिहड़े ने महान ने जिथों असी एकत्रित हो करके प्रभु का सिमरन कथा वार्ता सतगुरु महाराज जी दियां करदे हां ते वडभागे बणदे हां। मैं जो कुछ कहण जा रहे हैं सतगुरु महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला एक है प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे मनाया जाता है ते दूसरा है साडे कोल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता दिवस जिहड़ा तलवंडी साबो की विखे सतगुरु महाराज जी ने महान बख्शिश की है जो 30 तरीक नूं गुरु प्यारे महान ये दिहाड़ा है। ते एक है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस
जो हजूर साहब विखे सतगुरु महाराज ने कृपा की सी ते सानू सतगुरु महाराज जी दे लड़ लाया सी महान बख्शिश की सी। ते गुरु प्यारे मैं बेनती करा सब तो पहला ये जो पावन पवित्र दिहाड़ा नज़दीक आ रहा है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का संपूर्ण ते दिवस दियाँ आप समूह संगतान गिणतियां तो बाहर बेअंत 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 वधाइया हो। सतगुरु महाराज जी कृपा करन अपनी सेवा आप करवा लैन ते दास भी कुछ इस इतिहास दे विचों कुछ ना कुछ कहण दा यतन करन लगा है। गुरसवारे खालसा जी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां ने केसगढ़ साहिब विखे खालसा पंथ प्रगट किया साजिया ने प्रगट किया खालसा पंथ प्रगट करके सतगुरु महाराज जी ने सानू बहुत ज्यादा प्यार दिता इन्ना प्यार दिता खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हों करो निवास प्यार दिता चेतावनी भी दिती जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा जाबे गह विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सतगुरु महाराज जी दी इस बादशाही शानो शौकत नूं वेख के वैरी घबरा उठे कई वार हमले किते ते समा आउण ते सतगुरु महाराज जी ने उस आनंदा दी पुरी नूं भी त्याग दिता ते वैरी ने कई वार सतगुरु महाराज दे उपर हमले किते पर एक भी उन्हां दा वार जिहड़ा सतगुरां ते नहीं चल सकिया हार दा मूंह देखना पिया इन्हां नूं। कलगिया वाले प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदापुरी नूं त्याग दिता सरसा ते परिवार विछोड़ा पै गया परिवार खेरू खेरू हो गया है। गुरु प्यारे सतगुरु महाराज जी का चमकौर गढ़ी दे विच भी अपने वड्डे साहिबजादियां नूं अपनियां अखां दे सामने शहीद भी करवा लिया प्राणा तो प्यारे अपने सिंह शहीद करवा ले। सतगुरु महाराज जी उत्थों तुरदे हुए माछीवाड़े दे जंगलां दे विच अनेकां कौत करदे हुए सतगुरु महाराज जी मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना गाउंदे हुए मेरे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु दा शुकराना करदे हुए सतगुरु महाराज जी मुक्तसर दी धरती ते भी पहुँचदे है और इत्थे पहुँच के सतगुरु महाराज जी अपने उस प्राणा तो पुत्र प्यारे जेडे समा आउण ते गुरु प्यारे ते दावा लिख के दे गए सन। मैं इत्थे बेनती करा सतगुरु महाराज जी दे विच शक्तियां बेअंत जे सतगुरु महाराज जी चाहुंदे ते ओ जेडे सिंह सन उन्हां दे मन कदा चित भी नहीं बदल सकदे सी क्योंकि सतगुरु महाराज जी बेअंत शक्तियां कला दे मालक सन पर खेड वरतौणी सी इस खेड दे पिछे सानू सिक्ख्या देन दा मकसद सतगुरां दा सी क्योंकि सतगुरु महाराज जी दर्शाउंदे सन ये दसना चाहुंदे सी सतगुरु महाराज जी गुरु क्या सिखा जिन्ना चिर तू गुरु दे नाल जुड़िया है चढ़दी कला दे विच रहेगा ते जदो गुरु तो बेमुख हो गया गुरु तो टुट गया ना तेनू इत्थे ढोई मिलनी ते ना दरगाह दे विच ढोई मिलनी है। ये नाल नाल सतगुरु महाराज जी ने उन्होंने पंज जेड़े चाली मुक्ते सन और जेड़े भाई महा सिंह दे नाल दे सिंह सन उन्होंने बख्श के ये भी दर्शाया कि सतगुरु महाराज जी कृपालु ने दयालु ने करुणामयी दाते ने। सतगुरु महाराज जी इत्थे अनेकां कौतक करते हुए मंजला मारते हुए सतगुरु महाराज जी कित्थे पहुँचते ने गुरु प्यारियो एक बंगी निहाल सिंह वाला तलवंडी साबो की तू दस को पिछे गुरु प्यारे हो सतगुरु महाराज जी उत्थे ठहर जांदी है। सतगुरु महाराज जी उत्थे ठहर गए ते उत्थों दे तलवंडी दा जेड़ा चौधरी है चौधरी सलेम शाह दा पुत्र राय डल्ला ते गुरु प्यारे ये भी गुरु घर दा बड़ा मुरीद है सतगुरु महाराज जी के चरणा ते भरोसा रखण वाला पता चलिया सतगुरु महाराज जी का अगलवंडी उत्थे पहुँच जाता है 400 सिपाहियां नू नाल लैके सतगुरु महाराज जी की आओ भगत करन वास्ते वो अगलवंडी पहुँच जाता है। सतगुरु महाराज जी के चरणा विच बेनती करता है
यह राय डल्ला कह लगा सतगुरु जी मेरे नाल मेरे घर चलो मेरे पिंड चलो। सतगुरु महाराज जी राय डल्ले दे नाल तां चल पैंदे है ते गुरु प्यारे जदो तलवंडी पहुंचते हैं राय डल्ला कहिंदा है अपने घर दे विच डेरा लाउण वास्ते पर सतगुरु महाराज जी आप चोजी प्रीतम संघ घर जाण तो इनकार करदे होए सतगुरु महाराज ने बाहर खुली जगह वेख के उत्थे सिंघां दी छौणी लगा दित्ती। उत्थे सतगुरु महाराज जी ने डेरे लगा दित्ते ने। सतगुरु महाराज जी आप इस आसन ते बैठ गए। गुरु प्यारे उस आसन ते बैठ के सतगुरु महाराज जी ने जंगा वाला कमर कसा खोल के दम लिया और इस दे नाल नाल मेरे पातशाह जी कहन लगे वाह ए ता दमदमा आनंदपुर साहिब वाला दमदमा लगता है। सतगुरु महाराज जी ने यह फरमान किया ते गुरु सवारे खालसा जी मैं बेनती करा के इधर सतगुरु महाराज जी दे वास्ते गुरु प्यारे प्रशादा छकाउण वास्ते इसने सिंघां दे प्रशादे छकाउण वास्ते बेनती कीती है पर कुछ दिन तां राय डल्ले दे घरों ये सारा लंगर तैयार होके आउंदा रहा ते पर गुरु प्यारे कुछ दिनों बाद सतगुरु महाराज जी ने हुक्म किया कि गुरु का लंगर सिंह आप तैयार करनगे रस्त बस्त तां राय डल्ला पहुँचा दिंदा है। ते एक दिन राय डल्ले ने बेनती की महाराज जी मेरे घर दे विच चरण पावो मैं आप प्रशादा छकाउणा चाहुंदा है चरण परसना चाहुंदा है। सतगुरु महाराज जी नूं अपने घर लै गया प्रशादा छकाया प्रशादा छका के सतगुरु महाराज जी दे गुरु प्यारे भरोसा रखदे होए सेवा करदे होए इस राय डल्ले ने एक सुंदर घोड़ा एक दुशाला और 1500 रुपया इतिहासकार लिखते ने सतगुरु महाराज के चरणों से भेटा किया है। मैं एक बेनती कर जावा जिस अस्थान से अज गुरद्वारा साहब सुशोभित है दरबार साहब गुरु प्यारे जिथे सतगुरु महाराज जी आप आण के सुशोभित होए ने ते इत्थे सतगुरां तो पहला धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1515 ईस्वी दे विच जदों सुल्तानपुर लोधी तो सरसे नूं जांदे होए इत्थे ठहरे सन ते गुरु प्यारे उस तों बाद 169 सालां बाद 1674 दे विच धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी भी इस अस्थान ते सुभाए मन होए सन और इत्थे सतगुरु महाराज जी ने आप एक सरोवर तरवार कराया एक गुरु प्यारे तलाश सतगुरु महाराज ने पटवाया सी अपने हथी गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने ते उस तो 31 साल बाद सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह 1705 नूं इत्थे पहुंचदे है ते इत्थे पहुंच के गुरु प्यारे जद पहुंचे है राय डल्ले ने अपने घर ले जाने वास्ते बेनतियां कीतियां महाराज जी इहदियां बेनतियां मन के घरों प्रशादा भी छक के आ गए पर सतगुरु महाराज ने पक्का आसन जिहड़ा है हैडक्वाटर जिहड़ा है इस अस्थान ते रखिया। मैं बेनती करा इत्थे नहीं सतगुरु महाराज नज़दीक जिहड़े पिंड पैंदे ने सारे पिंडां दे विच प्रचार करन वास्ते सिखी दा प्रचार करन वास्ते सतगुरु महाराज जी लोकां नूं समझाउण वास्ते पातशाह जी सारिया पिंडां दा दौरा कर रहे सन तां ही तां गुरु प्यारे सतगुरु महाराज जी ने इत्थे तलवंडी साबो की विखे भी वैसाखी दे दिहाड़े ते सतगुरु महाराज ने इत्थे भी अमृत संचार करवाया सी और उस अमृत संचार दे विच इतिहासकार लिखते ने कि श्री आनंदपुर साहब दे विच 80,000 गुरु प्यारे इकट्ठ सी ते उत्थे अमृत छकन वालियां दी गिणती वेखो ते इत्थे जदों सतगुरु महाराज ने इन्ना सिखी का प्रचार किया 125,000 प्राणियां ने इत्थे खंडे की पौल लई सतगुरु महाराज के चरणों के भौरे बने। मैं गल करन जा रहा हां सतगुरु महाराज जी ने इत्थे आसन जमाए और इत्थे सतगुरु महाराज जी का हुक्म पा के गुरु के सिंह जिहड़े ने ਉਹ गुरु प्यारे कीर्तन भी करते हैं हर जस कीर्तन होंदा है कथा वार्ता होंदी है भरे हुए दीवान दे विच गुरु प्यारे सतगुरु महाराज जी संगतां नूं इह सारियां साखियां अपना जो कुछ वैरी ने किया ये सारा हाल भई जिवें सतगुरु महाराज जी का परिवार विछोड़ा पिया ये सारा हाल सतगुरु महाराज जी दे
आप सत्कारयोग माता गुजर कौर जी और छोटे साहबजादों की शहीदी का हाल भी इत्थे सुनाया गया, वड्डे साहबजादों की शहीदी भी सुनाई गई है। ये सब कुछ जदों संगतां सुनदियां ने ते अखां दे विच हंजू वगन लग पैंदे है। ये राय डल्ला ये भी बैठा है संगतां दे विच, सब कुछ सरवण करदा है, अखां दे विच हंजू वग रहे ने। हंजू वगाउंदा होया गुरु प्यारे इक मन दे विच इक दुख है ते अर्ज करन लगा पातशाह, एक कलगियां वाले प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, ये सारे दुख तू आप ही जर गए होए, किते कृपा करदा एहो जे समय दे उत्ते किते मैनू हुक्म दे दिंदा, मैं अपनियां फौजां लैके अपने सिपाही लैके पहुंचदा और मेरे तकड़े तकड़े सूरबीर योधे भई वैरी का मुकाबला कर दे। भई जिमें राय डल्ला सतगुरु महाराज के चरणों के कर जिमें अरजोइया करता, जिमें कहता सतगुरु जी उस वेले तुसी मैनू याद कर दे ते शायद तुहाडे साहबजादे शहीदियां ना पाउंदे। भई सतगुरु महाराज चरणों में जो अल्फाज लैके बेनतियां कर रहे उन्हां लाइना नूं मेरी पेरी ढाडी जथा दे सनमुख ऐओ सरवण करवाउंदे। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜ ਵਾਰਿਆ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰ ਜਾਰਿਆ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰ ਜਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਰਾ ਦਿੰਦੇ ਬੈਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਹਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਰਾ ਦਿੰਦੇ ਬੈਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਹਲਾ ਛੱਡਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ
के जंग विच छड देने सर वड के जंग विच वेख दे ओ सर वड के नाले घर बार पैर बाद घर दे नाले घर बार पैर बाद घर दे मैनू गुरु साहब तुस याद कर दे मैनू गुरु साहब तुस याद कर दे बिछोड़ा तेरे परिवार दा पैंदा ना बिछोड़ा तेरे परिवार दा तोनू पैर मुड़ के आबाद कर दे मैनू गुरु साहब तुस याद कर दे मैनू गुरु साहब तुस याद कर दे जोरा सिंह जिन्ना दिया नीता खोटिया उन्ना दिया भीले अपनो दे बोटिया जोरा सिंह जिन्ना दिया नीता खोटिया उन्ना दिया भीले अपनो दे बोटिया इंज हुंदा जिवें अज लाद कर दे इंज हुंदा जिवें अज लाद कर दे मैनू गुरु साहब तुस याद कर दे मैनू गुरु साहब तुस याद कर दे मैनू गुरु साहब तुस याद कर दे गुर इतिहास के सत्कार दे विच बेअंत संगतां जो धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे दर ते आण के सतगुरां दे दर्शन दीदारे कर रहीआं ने हाजरियां लवा रहीआं ने उस दे नाल नाल सतगुरां दीआं बख्शियां किरत कमाईआं दे विचों जिथे गुरु के लंगरां दे विच दसवंध जिवें सतगुरु महाराज जी नूं दर्शनी भेटा और ढाडी सिंघां नूं वी शब्द भेटा आदि गुरु प्यारो सेवा कर रहे हैं सतगुरु महाराज जी कृपा करन सारिया संगतां दीआं हाजरियां प्रवान करन जिन्ना किरत कमाइया विच्चों खजानिया विच्चों माया लै करके हाजरियां भरे गुरु प्यारे सारे दीआं हाजरियां सतगुरों के दर ते प्रवान होन गुरसिखी जीवन गुरसिखी का प्यार बख्शिश करन गुरु सवारे यह तो तुरत ही सतगुरु महाराज जी के दर के उपर संगत शुरू तो ही सतगुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु क्या सिखा जिथे तू अपनी किरत कमाई दे विचों दसवंध कढ़ना है एक हुंदा है दसवंध भेटा पे जिवें हजार रुपया दे विचों गुरु प्यारे उसका दसवां हिस्सा सतगुरां नूं भेटा करना ते उहदे नाल नाल जिवें गुरु प्यारे पदार्थ लैके पदार्थां दे नाल भी कई संगतां सेवा करिया करदियां सन उहदे नाल नाल जदों सतगुरां दी हजूरी दे विच आए सतगुरां दे दर्शन दीदार कीते ते जिहड़े उत्थे माया टेकदे उह है दर्शनी भेटा ते एक जिहड़ियां शुरू तो संगतां चाहे होए रागी सिंह होण चाहे कथावाचक होवे ते गुरु प्यारे जिहड़े उत्थे भेटा करनी उह हुंदी है शब्दी भेटा जो सतगुरु महाराज दर ते गुरु नानक दे दर दा असूल है सो सतगुरु महाराज दर ते हाजरियां भरदियां होईयां मेरियां भैणां वल्लों मातावां वल्लों बजुर्गां वल्लों नौजवानां वल्लों बेअंत बेअंत माया अरदास करवाई गई है सतगुरु महाराज चढ़दियां कला गुरसिखी जीवन गुरसिखी दा प्यार महाराज जी बख्शिश करन चढ़दियां कला सतगुरु महाराज जी बख्शिश करन और मेरे वीर
जेडे इस वेले दूर दरेडे तक बैठिया संगतां नूं सतगुरु महाराज जी के दर्शन दिदारे करवाउंदे आ, गुरद्वारा साहिबां दे दर्शन दिदारे करवाउंदे आ। साहिब लाइव टीवी चैनल वाले वीर गुरचरण सिंह जी उन्हां वल्लों भी बेनतमय अरदास भी करवाई गई है। सतगुरु महाराज जी चढ़दियां कला बख्शिश करन, हैड ग्रंथी साहब वीर जी गुरप्रीत सिंह जी उन्हां वल्लों बड़ा माण आया है। सतगुरु महाराज चढ़दियां कला गुरसिखी जीवन गुरसिखी का प्यार बख्शिश करन, मैनेजर साहब गुलजार सिंह जी उन्हां वल्लों बेअंत माया आई है, सत्कार आया है। सतगुरु महाराज चढ़दियां कला बख्शिश कर प्रधान साहब वल्लों भी आशीर्वाद आया है। सतगुरु महाराज चढ़दियां कला नाम बाणी दीआं दातां सतगुरु महाराज जी प्रदान करन। गुरसवारे खालसा जी इधर लगे हुए दीवान दे विच जदों सारियां संगतां नूं सरवण करवाया गया सतगुरु महाराज जी दा कि किवें किवें सतगुरु महाराज जी नूं आनंदां दी पुरी नूं त्यागना पिया, किवें बैरी चढ़ के आ गया ते किवें सतगुरु महाराज जी दा सरसा दे कंढे ते परिवार विछोड़ा भी पिया, किवें चमकौर की गड़ी दे विच कल्ला कल्ला सिंह सवा सवा लख दा मुकाबला कर गया, वड्डे साहिबजादे किवें शहीद हो गए, छोटे साहिबजादियां नूं किवें सरहान दियां नीहां दे विच चिण के शहीद कर दिता, सत्कार योग पूजा योग जगत माता मां गुजर कौर जी किवें शहीदियां प्राप्त कर गए, यह सारा इतिहास जदों संगतां दे सामने रखिया, संगतां नूं सारे हालात दसे ते संगतां दियां अखां दे विचों प्यार दे हंझू वगने शुरू होए। हर एक दा हिरदा जिहड़ा कोमल हिरदा द्रव्या गया ते ओह संगत दे विच बैठा होया राय डल्ला, इह वी अपणियां अखां दे विचों हंझूआं नूं रोक नहीं सकिया, सतगुरां दे सामने खड़ो के कहण लगा सतगुरा किरपा कर दिओ एक वार हुक्म दे दिंदा, सतगुरु जी ते मैं भी सेवा कर लैंदा, मेरे नाल दे सिपाही वेखो गज गज चौड़ियां इन्हां दीआं वड्डियां वड्डियां छातियां उच्चे लंबे, ये वेखो जवान जदों ये लड़दे ना ते फिर वैरी दी हिम्मत ही नहीं सी पैणी ते ना तुहाडे साहिबजादे जिहड़े ओह शहीद हुंदे। अजे अपना धर्म बदले ते खप गए ने पूरा दे पूर सिखा, कई कागज बेदा बेदा लिख तुर गए ते रुकन लई रो कीते मजबूर सिखा, लोड़ पऊगी जदों तूफान पीले पीले आए, लोड़ पऊगी जदों तूफान पीले ते चेते करेंगे तैनू जरूर सिखा। सतगुरु महाराज जी दे दर ते जदों ये बेनतियां करदा ना ते ये नाल दे सिखां दे उपर गुरसिखां दे उपर नजर कमाउंदा है ते इतिहासकार लिखदे ने किते ना किते इहदे दिल विच जिहड़ा है ना एक गल जिहड़ी है उह सब तों भैड़ी गल कह लईए ते अत कथनी नहीं होवेगी, जिथे ये सतगुरु महाराज जी दे चरणां दा शरधालू है ओदे नाल नाल इस नूं माया दा भी गुमान और ओदे तो सब तो वड्डी गल इहदे दिल विच घर कीती होई है, इशारा करके कहन लगा महाराज आ जिहड़े तुसीं सिख भर्ती कीते होए आ नीवियां जातियां वाले ते गुरु प्यारे इशारा गया, कहन लगा महाराज इन्हां ने भला की लड़ लैणा है, इन्हां ने कदे चाकू भी चंगी तरह घर दे विच नहीं चलाया होना, ता ही तां तुहाडी हार होई है,
ताही तां जिहड़े परसारा परिवार खेरू खेरू हो गया महाराज। जे किते मेरे आ नाल दे सिंह जिहड़े ने मेरे नाल दे सिपाही जिहड़े ने ते इह आप लड़ना जानते हैं। देखो इन्हां दे कद काठ देखो इन्हां दीआं चौड़ियां छातियां देखो महाराज। जे किते तुसीं हुक्म करदे ते इन्हां ने मूहरे होके लड़ना सी ते वैरी दी हिम्मत नहीं सी पैणी अगे वधन दी ते साहिबजादे भी बच जाने सी सारा परिवार तुहाडे सामने खड़ा होना सी। सतगुरु महाराज जी मुस्कुराए मुस्कुराउंदिआं होइआं कहिण लगे राए डल्ला जिहड़े मर्द हुंदे ऐ जिहड़े सूरमे हुंदे ऐ भला उहनां सूरमिआं वास्ते कोई समां घटदा थोड़ी ऐ समां घटदा वधदा नहीं। सूरमिआं नूं सूरमगति बगाउण वास्ते समें बहुत आ जांदे ने कोई गल नहीं। जे तू कहिंदा ऐ अपने आप ते बड़ा तैनूं माण ऐ कोई नहीं अजे समा खत्म नहीं हो गया ना अजे राग ही मुके है ते ना तंदी दी तार ही टुटी सब कुछ सामने है पता लग जाएगा। जिवें कलगियां वाले प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस दी गल दा जवाब दे रहे ने उन्हां लईनां नूं ढाडी सुखदेव सिंह सहोता ढाडी परशोत्तम सिंह रणिया और सरंगी मास्टर गुरप्रीत सिंह हठूर दास मीरी पीरी इंटरनेशनल ढाडी जता परमजीत सिंह प्रेमी दा हे ऐ सर्व मुक गई।
ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਜੇ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਜੇ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੇਟਾ ਔਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਂਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ 'ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੇ ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਗੁਰ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਏ ਡੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਬੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ
ਇਹ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੀਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਏ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਤੇਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਚੋਜ ਆਪ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਏ ਡੱਲੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਹੈ, ਮਾਰ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਾਲੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਨਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹਾ ਲਾਇਆ ਏ, ਆਪ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਏ ਡੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੱਲੋ,
तुहाडी जे मौत भी हो जाती है तुहानू मुक्ति मिलेगी सतगुरां दे कोलों ते उहदे नाल नाल तुहाडे सारे परिवार का खर्चा जितनी भी जगीर कहोगे जितनी भी माया कहोगे सदा वास्ते एक दिन दो दिन नहीं सदा वास्ते माया दिंदा रहांगा। बड़े लालच दिते ते गुरु प्यारे ओ फौजी जवान जिहड़े सन कहन लगे चौधरी साहब नहीं असी मैदाने जंग दे विच लड़ के तां आपणियां आहुतियां दे सकदे आं शहीदियां प्राप्त कर सकदे आं पर अन्याई मौते नहीं मर सकते। गुरु ने जे किते परख करनी है गोली दी जरूर इंसाना ते गोली चलाउणी है किसी पशु पंछी दे उपर गोली चला के भी परख कर सकता है। ते चौधरी साहब इस तरह असी अन्याई मौते मरन वास्ते तैयार नहीं सारिया ने ना कर दिती है ये निम्मो झूणा जा होया सतगुरां दे कोल आण के खड़ गया। सतगुरु महाराज जी कहन लगे क्यों चौधरी साहब तुहाडे बहादुर सिपाही उच्चे उच्चे कद वाले चौड़िया चौड़िया छातियां वाले जिन्हों का तुसी कहिंदे सी कि मैं बड़िया बड़िया वड्डिया तनखाहां ते रखे हुए ने उन्हां दे विचों एक नूं लै के आवो। महाराज जी नहीं कोई नहीं आ रहा महाराज। सतगुरु महाराज कहिंदे किधर गई इन्हां दी बहादुरी। महाराज वह मैदान जंग दे विच लड़ के मरन वास्ते तैयार ने पर अन्याई मौते मरन वास्ते तैयार नहीं। ते सतगुरु महाराज जी कहन लगे फिर कहन लगा महाराज मुकदी गल ए है कि वह तुहाडे सिख नहीं। सतगुरु महाराज जी कहन लगे अच्छा जे वो सिख नहीं तू तो सिख है ना साडा फिर तू खड़ जा भाई जिवें सतगुरु महाराज जी राय डल्ले दी परख करदे है जिवें उस नूं कहिंदे मित्रा जे सिपाही नहीं ते हुण तू खड़ जा तेरी छाती दे विच दी गोली मार के परख कर लैने है। जदों ये सुनिया फिर कंब उठिया भाई सतगुरु महाराज जी जिवें इस दी परख करदे है उहनां लाइनां नूं ढाडी जथे दी जबानी इंज सुन
ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਅਜਮਾਉਣਾ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ गुरसवारे खालसा जी बेअंत संगतां वल्लों मैं बेनती करां सारियां संगतां सत्कारयोग सतगुरु महाराज जी दे बख्शिश कीते हुए खजानियां दे विच्चों बेअंत माया दे नाल तिल फुल दे नाल हाजरियां पर रहे हो सतगुरु महाराज जी कृपा करन आप दा चलिया होया पेंडा कदम कदम लेखे दे विच लाउण सतगुरु महाराज जी कृपा करन हाजरियां दर ते प्रवान करन बेअंत संगतां मेरिया भैणों वालों मातावान वालों बजुर्गों वालों नौजवानों वालों प्रमतकों वालों बेअंत माया भेट हुई है सतगुरु महाराज चढ़दियां कला गुरसिखी जीवन गुरसिखी का प्यार महाराज जी बख्शिश कर गुरु क्यों सिखो सतगुरां दे चरणों के विच आण के जिथे ये अरजोईयां करदा है तो महाराज जी ने जदों परख की घड़ी लियांदी सतगुरु महाराज ने कहा कि जा फिर सिपाही लैके आ तू कहना बड़े बहादुर ने असी बंदूक की परख करनी है नाले बंदूक की परख हो जाएगी ते नाले तेरे बहादुर की बहादुरी वेखी जाएगी बारी बारी अपने सिखां दे कोल अपने सिपाहियां दे कोल जांदा है बड़ा जोर लाया पर सारियां ने इक्को टक इक्को जवाब दिता नहीं अणियाई मौते नहीं मर सकते मैदाने जंग दे विच जूझ के शहीद हो सकते हैं ते कहन लगा माया बड़ी दवांगा कहन लगे माया दी जरूरत माया नू की करना है जदों असी ना रहे माया होएगी ताही तां वरतांगे ना ते बाल बच्चे की खाणगे की पीणगे सारयां ने इनकार कर दिता सतगुरां दे कोल आया
आन के कहन लगा महाराज सिपाहियों ने ना कर दिती है। महाराज कहन लगे बस एहो बहादुरी है। कहन लगा महाराज बहादुर बड़े है पर कहिंदे बहादुरी असी मैदाने जंग दे विच विखावांगे, अणियाई मौते असी नहीं मर सकते। ते सतगुरु जी नाले मुकदी गल ओ किहड़े तुहाडे सिख ने भई जिहड़े तुहाडियां रमजां नूं समझ सकन। महाराज जी हस पए मुस्कुरा पए कहन लगे अच्छा चौधरी साहब जे ओ सिख नहीं तुसी तां सिख हो ना, तुसी तां गुरु ते भरोसा करदे हो ना, फिर तुसी अगे खड़ जावो। तुहाडी गोली है क्योंकि गोली ने यह नहीं वेखना कि सिपाही है जां चौधरी है, ते इस करके तुसी खड़ जावो मैं अपनी बंदूक की परख कर लवांगा। जद सतगुरु महाराज ने कहा ही सी इहनू इउं लगन लगा जिवें ठा देनी गोली आण के दे छाती दे विच वज्जी होवे, सिर तो लैके पैरा तक कंब उठिया, कंबदी थिड़कती हुई जबान दे नाल कहन लगा महाराज सच्ची पुछो मैं भी डोल गया, महाराज मैं भी मरना नहीं चाहुंदा। सतगुरु महाराज जी कहन लगे चौधरी साहब बहादुरी जिहड़ी गल्लां दे नाल नहीं हुंदी, इस वास्ते कुछ ना कुछ करना पैंदा है, ते नाले तुसी जेड़े शरीर नूं जेड़े तन नूं प्यार करदे हो आखिर एक दिन बिनस जाना है, खत्म तो होना ही है। उस नूं प्यार नहीं कहिंदे जिस प्यार दे विच अपनी जान बचा के रखी जावे, क्योंकि गुरबाणी का फरमान है जिस प्यारे सिंह नेहो तिस आगे मर चली है। किहो जिहा तुहाडा प्यार है, आओ हुण तुहानूं प्यार दी झलक असीं विखाउने आ। सतगुरु महाराज जी ने सिख नूं अपने कोल बुला के कहा सिखा जा बुला के लैके आ एक सिख, एक सिंह चाहीदा है जिहड़ा आवे ते गोली अपनी छाती दे विच खा के साडी बंदूक दी परख करे, असीं देखिए बंदूक दे विच दम कितना कै, गोली दे विच दम कितना को है। सतगुरु महाराज जी का हुक्म पा के ये सिंह गया, ते गुरु प्यारे गुरु के लाल जेड़े दरख्त दे थले शाम दे हेठ गुरु प्यारे छावें बैठ के दमाला सजा रहे सन, एक ने दमाला सजा रहा ते एक अजे दमाला सजा रहा सी, चुला रहा सी, हाथ दे विच पकड़िया होया है। ते जद इस गुरु के सिख ने लांगरी सिंह ने आवाज दी गुरु के सिखो गुरु वाजा मार रहा है, गुरु नू एक सिर चाहिदा है, गुरु ने एक छाती दे विच गोली मार के गोली दी परख करनी है। ते जदों ये आवाज सुनी सुनी दोवां ने दोवें जने उठ तुरे, क्या एक नू दोवें भज तुरे ने, एक ने दमाला सजाया होया है ते एक अजे दमाला जिसका अद्धा दमाला मध दमाला गुरु प्यारो सजा होया चुलिया होया ते अद्धा हाथ दे विच पकड़ के उस ही तरह भज तुरिया सतगुरां दे चरणां दे विच। ते गुरु प्यारो सतगुरु महाराज जी दे दर ते आण के खड़ गए ते आपस विच दी लड़दे ने, ओह कहिंदा पहला मैं आया, दूसरा कहिंदा पहला मैं आया। महाराज जी कहन लगे ओ इह की होया, मैं तां एक सिख नूं बुलाया सी, मैनू एक सिख चाहीदा, एक सिंह चाहीदा है, एक छाती चाहीदी, एक छाती दे विच गोली दी परख करनी है, दो नहीं। हाथ जोड़ के निम्रता भरे बोलां दे नाल अजकल तां असीं लड़दे आ ना गफ्फे खाण वास्ते भी पहला मैं आया पहला मैं आया, ते जां असीं गुरु प्यारे जदों टिकटां दी वंड हुंदी है उदों साडे लीडर लड़दे है पहला मैं आया, पर अनोखी खेड सतगुरां दी, पता है गोली वज जानी है शहीदी प्राप्त हो जानी है, पर शहीदी का चाओ ही ऐसा है कि मरन वास्ते एक दूजे तो काले ने। इतिहासकार इन्हों का नाम वीर सिंह ते बाबा धीर सिंह जी लिखते हैं, दोवें प्यो पुत ने, ते हाथ जोड़ के कहन लगे एक सिंह कहन लगा महाराज जदों सिंह ने आवाजा दिता सी तुसां दा सद्दा दिता सी तुसां दा हुक्म सुनाया सी उस वेले मैं बिल्कुल नजदीक उस सिंह दे कोल सा, ते सब तो पहला आवाज मैं सुनी है। ते दूसरा सिंह कहन लगा बिल्कुल ठीक कहिंदा है महाराज, ये ठीक है आवाज जदों सुनी है उस वेले नजदीक खड़ा सी, पर महाराज मेरा प्यार भी वेखो ना, वेखो मैं दमाला पूरा सजाया नहीं,
उस तरह हाथ दे विच दमाला फड़ के दस्तारा फड़ के मैं भज तुरिया है। पातशाह कृपा करो मेरे ते ये जड़ा प्यार दा तुसी खेड रचा रहे हो मैनू छेती छेती बख्शिश कर दिओ मैं भी सतगुरां दे चरणां दे विच पहुंच जावां। लाड़ी मौत व्याहुण नूं बड़ा चित करदा है सतगुर जी सेवा दा मौका किते होर कोई ना लै जावे मेरा हक बनदा है। एक दूजे तो मोहरे हो के जिवें बाबा वीर सिंह ते बाबा धीर सिंह गोली दा निशाना बनन वास्ते सब तो हूरे मूहरे हो के एक दूजे तो खड़दे ने उन्हां शब्दां नूं उन्हां लाइनां नूं ढाडी जथे दी जबानी
ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚੜਿਆ ਹੈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਿਆ ਹੈ ਕੱਤਿਆ ਬਹੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਿਆ ਹੈ ਕੱਤਿਆ ਬਹੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਬੰਨਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਰੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਰੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ बेअंत गुरु क्या सिखा वल्लों मेरिया भैणा वल्लों मातावां वल्लों नौजवानों वल्लों बच्चे बच्चियां वल्लों जो भी सतगुरां दे दर ते चल के आ रहे ने सतगुरां दीआं बख्शियां किरत कमाईआं दे विच्चों जो सतगुरु महाराज दर ते भेटावां चढ़ा रहे ने सतगुरु महाराज की कृपा करन सारिआं दीआं हाजरियां दर ते प्रवान करन चलिया होया पेंडा कदम कदम लेखे विच लाउण सारिआं नूं आपणे दरों करो गुरसिखी जीवन गुरसिखी का प्यार महाराज जी बख्शिश करन धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी सारिआं ते बख्शिशां पर परे भंडार खोल देन गुरसवारे खालसा जीओ इधर सतगुरु महाराज जी का जदों आवाजा गया ते गुरु सवारे बाबा वीर सिंह ते बाबा धीर सिंह इतिहासकार लिखते ने जिन्हां ते सतगुरु महाराज जी की अपार बख्शिश है जिन्हां नूं ये राय डल्ला नीवियां जातियां जां तरखान छिंबे गुरु प्यारे इउं कहिंदा सी नीवियां जातियां कहिंदा सी पर ओह दलेर सूरमे रंगरेटे गुरु के बेटे ये गुरु प्यारे जातां दा जिहड़ा पातां दा जिहड़ा इहनां मन्नू दा पवाड़ा और दूसरा पवाड़ा पाया साडियां सरकारां ने जिहड़े आम लोग है साडे विच वी इहनां दिलां दे विच नहीं हुंदा जात पात दा जिन्ना ये लोग अपने वोटां दा लाहा लैण वास्ते गुरु प्यारो जात पात दा वितकरा पा दिया करदे है तिवें गुरु प्यारो इधर सतगुरु महाराज जी दे सूरबीर योधे लाडले पुत्र बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह दोवें प्यो पुत्र ने एक ने दमाला सजा लिया एक चला रहा है ते सतगुरु महाराज जी दा जदों आवाजा सुनिया दौड़े आए आण के कहन लगे महाराज कृपा करो आप जी बख्शिशां करो ये वडियाईयां दास की झोली दे विच पा लिओ बाबा वीर सिंह ने आख्या ते बाबा धीर सिंह कहन लगा नहीं पहला मैं आवाजा सुनिया सी मेरे ते कृपा करो दोवें जने जब सतगुरु महाराज जी सुनिया सतगुरु महाराज जी कहन लगे गुरु क्यों सिखो तुहाडी शरदा ते कोई शक नहीं तुहाडे प्यार ते कोई शक नहीं तुहाडा प्यार प्रवान है पर पुत्र मैनू तो केवल इस वेले एक सिर की जरूरत है हाँ जे तुसी दोवें आ गए हो फिर इउं करो दोवें खड़ जाओ ते गुरु प्यारे इन्हां नूं लैण बना के खड़ार दिता गया मेरे पातशाह जी वीर आसन हो के हाथ विच बंदूक फड़ के इन्हां दा निशाना लैंदे है सिसत बन्नदे है ते जदों सतगुरु महाराज ने हाथ विच बंदूक फड़ी है बाबा वीर सिंह जी अगे बाबा धीर सिंह जी पिछे ते जदों मन दे विच आई कि जे किते सतगुरां ने गोली चलाई ते मेरे वाली जे गोली ठंडी हो गई मैं तां फिर फड़ ही रह जाऊंगा मार के छाल अगे आण के खड़ गया ते ओह उस तों अगे हो खड़ गया ओह उस तों अगे हो के खड़ जांदा है महाराज जी कहन लगे पुत्रो की गल हो गई महाराज गल ए है जे तुसां ने गोली चला दित्ती मेरे तक गोली पहुंची ना ते सतगुरु जी मैं तां सेवा तो वांझा रह जावांगा महाराज जी ने कहा नहीं बेटा इउं ना करो सावधान खड़ जावो फिर गुरु प्यारे खड़ जांदे ने मेरे पातशाह जी फिर अपने हाथां दे विच लई होई बंदूक दा निशाना जदों बणदे है जद बंदूक नूं हेठां नूं करदे है ते दोवें जणे एक दूजे तों हेठां नूं होई जांदे है किते इउं ना होवे कि गोली नीवी रह जावे साडी छाती दे विच ना पहुंच सके ते जे सतगुरु महाराज जी बंदूक नूं अताह करदे है ते एक दूजे तों अड्डियां चुक चुक के उपर उठदे है किते साडे सिरां दे उपर गोली ना लंघ जावे ये गोली साडी हिक दे विच साडे मथे दे विच वजनी चाहीदी है इउं प्यार सतगुरु महाराज देखदे हुए महाराज जी कहन लगे पुत्रो इउं नहीं सावधान खड़ जावो की गल मौत तो डर लगता है महाराज नहीं
असी तो मौत व्याउण वास्ते तैयार वर तैयार खड़े हैं। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। सतगुरु जी तुहाडी सिक्ख्या ते चल रहे हैं। महाराज जी ने फिर उस तरह हाथ च फड़ी हुई बंदूक का निशाना लेंद्या होया निशाना जेड़ा है फिर हवाई फैर कर दिता। उन्होंने सिरां दे उपर गोली चला दिती मेरे पातशाह जी ने। ते खालसा जी जदों ये गल तकी राय डल्ला कहन लगा महाराज जे तुसी सिरां दे उपर दी गोली लगाउणी सी फिर तां भावे मैं ही खड़ जांदा। मन दे विच पछताउण लगा पर सतगुरु महाराज जी कहन लगे चौधरी साहब तुसी टारा मारदे सी अपने बहादुरां दीआं जेड़े तुहाडे कोलों माया लैके माया दे बदले तुहाडे वास्ते काम करदे ने। बहादुरी उन्हां दे विच तुसी बहादुरी दा कहिंदे सी जेड़े माया बदले काम करन वाले होण उन्हां दे विच प्यार नहीं होया करदा। आ वेख लै जिन्हां वल तू इशारा करदा सी कि नीचियां जातियां वाले अपने नाल रला रखे इन्हां नूं लड़ना कोई नहीं आउंदा ते प्यार देख लै एहो जिहा प्यार एहो जिहे सूरबीर योधे सी। सतगुरु महाराज ने कहा इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। एहो जिहे प्यारियां दे खातर इन्हां दे प्यारियां दे नाल मैं चमकौर दी गढ़ी दे विच लड़िया है एक तो दूजे तो मोहरे हो के अपनियां जानां निशावर करके। पर मित्रा याद रख तेरे सिपाही तेरे कोलों माया लैके काम करदे ने पर ए मेरे प्राणा तो पुत्र जेड़े मेरे प्यारे ने जिन्हां नूं मैं अपने बिंदी पुत्रां तो भी वध प्यार करदा है ते ए मेरे कोलों ना कदे माया मंगदे है ना कोई पदार्थ मंगदे है। निष्काम होके घर बार छड्डना बड़ा औखा है पर सब कुछ छड्ड के मेरे नाल तैयार बर तैयार रहिंदे है। ते जिवें सतगुरु महाराज जी राय डल्ले नूं जिवें परख के और अपने सूरबीर योधियां नूं जिवें परख के और जिवें सतगुरु महाराज जी इस नूं सच दा मार्ग दिखाउंदे है जिवें राय डल्ले नूं सच ते मार्ग दे तुरन दी प्रेरणा है इउं
ਸਮੋਈਆਂ ਸਦਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਏ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਸਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰ ਮਟਾਉਣ ਬਦਲੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰ ਮਟਾਉਣ ਬਦਲੇ, ਰੱਤ ਮਿੱਝ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਪਰਦਾ ਨਾ, ਪੀਰ ਬਲੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਫਰ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾ, ਟੁੱਟੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੱਸ ਕੇ, ਜਿਗਰਾ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਰਦਾਨਾ,
ਸਾਥੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਰੀ ਚੜਾਉਣ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿਆ ਬਾਲਦਾ ਨਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਕ ਆਏ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਪੜ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਚਾਰ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਆਤਮਕ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਥਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਇਹ ਚਾੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 469 ਕੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੜਤਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ 48 ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾ ਕਰਕੇ, 4 ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 125,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
जितनी को बुद्धि सतगुरु महाराज ने प्रदान की कहन का यतन किया है। सतगुरु महाराज जी अगे अरदास करो कि सानू अधूरियां नू पूरे सतगुरां दी सेवा करन दी जाच आ जावे। सब तो पहला शुकराना करांगे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा, धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दा, जिन्हां ने निमाणियां नू ढाडी होण दा माण बख्शिश करके आ रब वर्गियां संगतां दे दर्शन करन योग बनाया है। धन्नवाद करदा हाँ मैनेजर साहब सरदार गुलजार सिंह जी और प्रधान साहब सरदार सवर्ण सिंह जी, हैड ग्रंथी साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी, सो गुरु प्यारे हुक्म हो गया संगतां दा प्रबंधकां दा, बड़े प्यार वाले वीर जगसीर सिंह जी और हैड ग्रंथी साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी, रब वर्गियां संगतां दा हुक्म सिर मत्थे ते प्रवान, क्योंकि गुरु का गुरु प्यारे गुरु ने भी संगत नूं वडियाई दित्ती है, अपने तो एक दर्जा उपर रख्या, इस करके सानू हुक्म होया है कलगियां वाले प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, जो चमकौर की जंग है उहदे विचों एक वार कह के खिमां दी जाच को जाना है। गुरसवारियो संखेप शब्दों विच विचार करा, क्योंकि जे आपां ये प्रसंग छोया तो टाइम इस नूं बड़ा लग जाना है, इस करके दो प्रसंग दे विचों चीज़ां कह के खिमां दी जाच को जाना है। धन कलगियां वाले प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह महाराज, सब कुछ वार के सरसा दे कंडे परिवार खेरू खेरू हो गया, छोटे साहबजादे और जगत माता माँ गुजर कौर जी ओ किसे होर राह नू चले गए, ते गुरु प्यारे सतगुरु महाराज जी दे नाल छोटे साहबजादे जिहड़े सन ओ गुरु प्यारे इधर सरहंद वल नू चले गए ने, ते वड्डे साहबजादे साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी ये सतगुरां दे नाल गए, ते सतगुरु महाराज जी इधर सब कौतक करते हुए निहंग खां कोटली गुरु प्यारे उत्थे भी अपने कौतक करते हुए चमकौर की गढ़ी दे विच पहुँच जाते ने। चमकौर की गढ़ी दे विच पहुँच के सतगुरु महाराज, मैं पेर दी प्यार दी भी गल करां कि अपने सिखां नूं किन्ना प्यार महाराज जी करते है। चमकौर की गढ़ी दे विच पहुँचे हुए सतगुरु महाराज और सतगुरां दे सूरबीर योधे, जेड़े भावे जंगा तो थके टुटे भी ने, पर आप सतगुरु महाराज जी दे नाल इन्ना प्यार करते, सतगुरां दे आराम करन वास्ते अपने दुमाले अपने केसकियां गुरु प्यारे उतार के सतगुरु महाराज दे वास्ते एक विछौना तैयार किया। विछौना तैयार करके महाराज जी नूं कहन लगे, सतगुरु जी रात हो गई है, हुण किरपा करो तुसी इस आसन ते सुभाए मन होवो, रात दा पैरा असी देवांगे। सतगुरु महाराज जी कहन लगे, नहीं सिंगो वेखो तुहाडे पैरां दे विच छाले पै गए, पुत्रो तुसी अपनियां जाना वार के जाना हूल के लड़े हो, तुसी थके टुटे हो, तुसी इत्थे आराम करो, गोबिंद सिंह पैरा देवेगा। हाथ जोड़ के सारे सिंह कहन लगे, नहीं महाराज आप जी इत्थे आराम करो, असी पैरा देवांगे। खैर सतगुरु महाराज जी अपने आसना ते चले गए। अद्धी रात उठे सतगुरु महाराज जी की तकिया, थकेवें दे कारण सूरबीर योधे जिहड़े ने आराम कर रहे है, ते ए सूरबीर योधे किसे दे दस्तारा खुल्लिया होया है, केस नंगे ने, पैरां दे विच छाले पए होए, गुरु प्यारे अनोखा बाप है, हर एक सिंह दे कोल कल्ले कल्ले सिंह दे कोल जांदा है, अपने पवित्र कमर कस्से वाला जिहड़ा कपड़ा सतगुरु महाराज दे कोल, उस दे नाल अपने सिंघा दे मुख भी साफ करदा है। जे किसे सिंह दे कोल दस्तारा नहीं, उस दे सीस दे उपर दस्तारा वलदा है, ते चरण सतगुरु महाराज जी इत्थे गुरु क्यों सिखो, सिर्फ केवल ते केवल मुख ही साफ नहीं कर रहे सतगुरु महाराज, कल्ले कल्ले सिंह दे कोल जांदे ने, पैरां दे विच जदों जाके देखदे ने, पैरां दे विच छाले पए होए इतिहासकार लिखदे है
सतगुरु महाराज जी अपने सिंघां दे पैर पकड़ वे जदों छाले तकदे है ते गुरु प्यारे अपने पवित्र मुख दे नाल उन्हां छालिया नूं वी उन्हां चरणां नूं वी क्योंकि इन्ना प्यार करदे सन सतगुरु महाराज जी अपने बिंदी पुत्रां तों वी वध खालसे नूं प्यार सतगुरु महाराज ने किया। हर एक सिंह दे कोल इउं सतगुरु महाराज जी जांदे है जाके तकदे है कहिंदे सूरबीर योधे मैं रज रज के तुहाडे दर्शन कर लवां मैनूं पता है कल नूं तुहाडा मेरा मेल सदा वास्ते नहीं होना बैरिया दे नाल गुत्थम गुत्था होके शहीदियां प्राप्त कर जाणियां है। सो खैर गुरु प्यारे बैरी ने घेरा पा लिया चमकौर की कड़ी नूं घेरा पै गया ते वार वार सूरबीर योधे जथे बना बना के अपना आप सतगुरां दे अगे पेश करदे है। सतगुरु महाराज जी आग्या दे दिंदे है सिंह जांदे है मैदाने जंग दे विच जूझ के शहीदियां प्राप्त कर जांदे है। सिंघां नूं लड़दिया वेख शहीदियां प्राप्त करदिया वेख साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी अपने आप कहण दी जरूरत नहीं पई अपने आप तैयार बर तैयार होके गुरु प्यारे शस्त्र बत्र सजा के दमाले सजा के चक्कर चढ़ा के सतगुरु महाराज के हजूर सनम खड़ो के कलगिया वाले दे कोल मैदाने जंग नूं जाण दी आग्या है।
सतगुरु महाराज जी गुरुदेव पिता दे कोल साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी बिना बुलाए पहुंच गए। आण के जंग विच जाण दी आग्या मंगन लगे। सुन के सतगुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, कहन लगे अजीत सिंह बहुत अच्छा कीता, जे किते आवाज़ मार के तैनू बुलाउणा पैंदा ते इतिहास कुछ होर होना सी, ते जे तू ना आउंदा ते लोकां ने कहना सी गोबिंद सिंह ने पराए पुत मरवा ले ते आपणे बचा के रख ले। ते गुरसवारे खालसा जी इधर सतगुरु महाराज जी ने तां आग्या दे दित्ती है, पर इधर सतगुरु महाराज जी दे कोल बाबा जीवन सिंह जी जदों पता चलिया कि सतगुरु महाराज जी ने आग्या दे दित्ती है जंग दे विच साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी जा रहे ने, ते बाबा जीवन सिंह जी भी नाल दिया सिंघां नूं भाई दया सिंह जी जां होर सिंह जिहड़े सन उहनां दे नाल सलाह करके कहन लगे कि अपने हुंदिआं अजे आपां जीवदे तुरे फिरदे होईए ते सतगुरु महाराज जी अपने पुत्रां नूं शहीदी बाटे छकाउण वास्ते तैयार हो जाण, नहीं हो सकदा। बाबा जीवन सिंह जी सतगुरां दे सामने खड़ गए, प्यार दे नाल अखां भर लईआं, सतगुरा की गुनाह हो गया साडे कोलों, पातशाह आ मासूम बच्चों तुसी लड़न वास्ते भेज रहे हो, सतगुरु जी कृपा करो असी भी तो तुहाडे पुत्र हाँ, अजे असी जिउंदे फिरदे हाँ, अजे शहीदियां प्राप्त नहीं कीतियां ते तुसी इन्हां नूं साहिबजादियां नूं जंग च जाण वास्ते कह रहे हो। महाराज जी नहीं, असी दरवाजा नहीं खोलांगे, क्योंकि गेट दे उपर बाबा जीवन सिंह जी की ड्यूटी है, इतिहासकार लिखते हैं। कहन लगे नहीं, दरवाजा नहीं खोलांगा, सरासर इनकार कर दिता। मेरे पातशाह जी कहन लगे सिंह तुसी कहिंदे हो मैं अपने पुत्र नूं जंग दे विच ना भेजा ते दुनिया की सोचेगी, लोकां ने कहना है गोबिंद सिंह ने अपने अपने समझे ते पराए पराए समझे ते अपणिआं नूं बचा के रख लिया ते बगाने पुत मरवा दिते, पर गोबिंद सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ये गल कदाचित भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, सिक्खी नूं कदे भी कलंकत नहीं होण देवांगा। ते नाले याद रखो पुत्रो, इन्हां तों भी वध मैनू तुसी प्यारे हो, मैं तुहानूं प्यार करदा, इस करके तुहाडे विच इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं, मैं इन्हां नूं बचा के नहीं रखांगा, इन्हां दा भी हक बणदा है, इन्हां ने भी अमृत छकिया है, ये भी राणी मौत नूं व्याहुण वास्ते उतावले ने, इस करके कोई नहीं रोक सकदा, मैदान जंग तों जाणगे ते अपना बणदा हक जिहड़ा है जो इन्हां दा हिस्सा बणदा है इस संघर्ष दे विच हिस्सा पाउण दा ये जरूर पाउणगे। सतगुरु महाराज ने खैर मुकदी गल सतगुरु महाराज ने कहा है कि साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी मैदान जंग विच जाणगे, सतगुरु महाराज तो कुल लईए आ गया साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी। सतगुरां ने अपने हथी अपने पुत्र नूं शिंगारिया सवारिया, सतगुरु महाराज लाडले सपुत्र ने अपने तन उपर वस्त्र शस्त्र सजाए दमाले सजाए चक्कर चढ़ाए कलकियां वाले दे कोलों लईए आ गया और परम पिता परमेश्वर दे चरणां दे विच सुरती बिरती जोड़ के उसने शब्द पढ़िया। उसने कहा गगन दमामा बाजे हो पर यो निशाने काहो, खेत जो मांडे हो सूरमा आओ जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब होना छाते खेत, खंड बहंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग बर पंडंग गंड खंडंग तेज पटंडंग ज्योतम मंडंग पहाण प्रबंग सुख संता करणंग दुर्म दरण केलब करणंग असरणंग जय 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 कारण मन पर पारण जय तेगंग श्री जय तेगंग। इतनी कह के सूरमा मार के पलाकी हो गया घोड़े ते सवार, दरवाजा खुले बैरी दे उते हे ऐ टुट पिया। Thank you.
ਤੇਰੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਅਲਪਕ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਥਾਂਏ ਪਵੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਥਾਂਏ ਲਾਉਣ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਢਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਢਾਡੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਢਾਡੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪੇਰੇ ਇੰਟਰ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੇ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।